भाई साहब खाना खा रहे हैं उधर, हम आप यहाँ बैठ गए हो क्या? पापा पे क्या हूँ? बड़े बच्चे देखे डैड, तेरे जैसा नहीं देखा। मेरा बच्चा है बड़ा। तो जी पनीर बन चुका है, ये देखो कुछ ऐसा बन गया है, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा बना। डैबू पापा के ना 3 घंटे से ना पेन हो रही थी, इसने प्लेट तोड़ दी है। 25,000 की प्लेट है ये। चाय तो ही तोए हैं। क्या कर, तुमने ही तोए हैं। कोई नहीं पिग्गू जी, प्लेटें और आ जाएंगी, तुम थोड़ी आओगी। हाय क्या है, तू ले सब्जी, तू ले। बोल भैया बोल। तो जी नहा धो के वापस आ गए हैं। देखो मैंने अपनी शेप शू बनवा ली है, पूरा बढ़िया बढ़िया से बाल बाल सेट कर लिए हैं, और अब मैं हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, बस उसकी तैयारी चल रही है। ये देखो प्रोडक्ट देखो, इस पे ये ताजमहल है, ये देखो ये ताजमहल है, इसकी फोटोग्राफी कर रहा हूँ मैं, और ये देखो चेक करो, यहाँ पे अपना नाम, आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, अपना उसके साथ नाम, कुछ भी आप जो चाहो वो कर देंगे। ये माई फोटो प्रिंट पे जस्ट लॉन्च कर दिया है, इंस्टाग्राम पे आपको मिल गया होगा, बाकी अगर वेबसाइट पे ना मिले अभी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है वहाँ पे अपलोड वगैरह करने में, अगर वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे लिस्ट हो जाएगा प्रोडक्ट और आपको मिल जाएगा। अब मैंने स्टीम वीम ले के नहा चुका हूँ, और अब पिंकू जी बना रही हैं दो चीज़ें। पिंकू जी ने बनाया एग बुर्जी के साथ, मैंने कहा नहीं मुझे तो पनीर खाना है, तो अब पिंकू जी साथ में बना रहे हैं चीज़ चिली ना, बेस्ट वे इन अ न्यू स्टाइल। डैब का खाना आ चुका है। चलो नो गॉड प्लीज नो, इतना आलसी है ना उठेगा ही नहीं अब। नो खा ले बेटा। नो इतना आलस क्यों फैलाया है? नो खा ले, आज तो तू इतना दौड़ के आया बाहर से। नो दिखाएगा पनीर खा गया था अभी, कल से तुझे पनीर ही दूंगा 1 किलो का निकाल के, देखियो भाई चिकन चुकन बंद करना तेरा। ओ चलो जी, हाथ अपना रखा नीचे वाड़ के और बैठ गया, खाना कौन तेरा पापा खाएगा? ये डोंगा वहाँ पड़ा था, ये बंदा नहीं खा रहा था, ये डोंगे को मैंने इसके आगे रखा बिल्कुल। अब खाना शुरू कर दिया भाई साहब ने, इतना आलसी है यार। मैं क्या इसको, मैं कल ट्रेडमिल करानी शुरू करता हूँ दोबारा से। तो ये देखो बन रही है सब्जी, चीज़ चिली। तो इसमें लहसुन प्याज डाल के हमने मिक्स कर लिया, मोटे मोटे प्याज होंगे, ठीक है। इसके अंदर पनीर डाल देना, इसके अंदर सॉस डाल देनी है, थोड़े बहुत मसाले डाल देने। तो ये जो रेसिपी है ना, ये है मेरी मासी की फिरोजपुर से, ठीक है जी, वो ऐसे बनाते थे, उसके अलावा मैंने किसी को आज तक किसी ऐसे बनाते नहीं देखा, तो हमारे फैमिली में तो ये बड़ी मशहूर डिश है। तुम्हारा डिनर बन रहा है, पिंकू जी मेरे से करा रहे पूरी मेहनत, एक साइड हम बना रहे हैं एग पुरजी, दूसरी साइड बन रहा हमारा पनीर, ठीक है जी। ये तैयार होगा, हम बड़े बड़े डिनर करेंगे, उधर डैब अपना डिनर कर रहा है। मेरी दाढ़ी थोड़ी कैसी लग रही है गाइस, न्यू लुक, हाउ आई एम लुकिंग। उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। तो ये आज बड़े दिनों बाद पेट भर के खाना खाया, काफ़ी सारी मैंने रोटियां खा ली हैं। हाँ कल पुलाव भी बड़े स्वाद थे, रोटियों में, चावल में नहीं रोटियों में, मैंने बड़ा दिनों बाद पेट भर के खाना खाया। और ये देखो भाई साहब कहाँ बैठे हैं, भाई साहब खाना खा रहे हैं उधर, हम आप यहाँ बैठ गए हो, अपना खाना तुम्हारा पापा जी खाएंगे। माई सन ईट फूड, माई सन। मुझे मालूम है मैं अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हारी आंखें खोलूंगा और उस आईने में तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाऊंगा। खा इसे, इसे क्यों फेंका है? बैठा कैसे साला कबूतर सा, रैबिट बन के बैठ जाता है। दो टांगे और कहाँ है? ओवर अंदर कर ली है। एडजस्ट होके बैठ। देख तेरी टांगे कहाँ है? ओ इन्नी इन्नी टांगे बस। इतना बड़ा मुंह है तेरा। टांगे इतनी इतनी सी। खाओ इसे। इसका तो मूड है मैं बैठा हूँ। यहाँ यहाँ पे खाओ। कल करना है। खाओ इसे।
इसे खाओ, ये खानी है पहले, ये दे 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 अल्लाह के नाम पे दे दे, इंटरनेशनल फकीर आए हैं के पापा पे क्या हूं? बड़े बच्चे देखे डैप, तेरे जैसा नहीं देखा जिद्दी। खाओ इसे खाओ बेटा, पापा ने बहुत मेहनत करके खाना बनाया है, इसे खाओ। इतनी मेहनत उन्होंने अपने खाने में कभी नहीं की। तो आ गए हैं जिम से, भटूरे भटूरे खा लिए हैं। हेलो डैबी, जिम गए हैं और भटूरे खा के आए हैं, बताओ। चलो आए डैब के लिए पनीर बनाते हैं। और जो मैंने जगह आपको दिखाई है ना गाइस, वो मैंने तो थोड़ा ज़्यादा बोला नहीं उसके अंदर वहाँ पे, बट वो जगह काफ़ी फेमस है और बहुत ही ज़्यादा मशहूर शर्मा जी के छोले भटूरे हैं। तो गाइस सीखते हैं डैब के लिए पनीर कैसे बनाएं। पहले जाएंगे और खोलेंगे यूट्यूब, वहाँ पर जाएंगे हाउ टू मेक पनीर एट होम, वहाँ पर जाके सीखेंगे, जो ट्यूटोरियल आएगा वैसे ही करेंगे, ठीक है गाइस। चलो अब डैबू को चिया सीड खिलाते हैं। कहाँ भाग रहा है यार, चिया सीड ही तो है डैबू। डैबू चिया सीड खाएगा, आली 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 चिया सीड खाएगा। फटाफट खाया था, बड़ा ही सियाना बच्चा है। बहुत अच्छे होते हैं चिया सीड, अंदर हाइड्रेट करके रखेंगे तुझे अंदर तक। टैब ने चिया सीड खा लिए हैं, इसका अब अंदर से ठीक हो गया है काम। तुम्हारा दूध बबल चुका है, अब हमने इसमें ये नींबू पानी डालना है थोड़ा थोड़ा करके। ये देखो काफ़ी सारा मैंने डाल दिया है, पूरा पूरा चम्मच ही डाल रहा हूँ मैं, हल्का हल्का चम्मच में आ रहा है क्योंकि मेरी डब्बी के अंदर है। तो जी पनीर बन चुका है, ये देखो कुछ ऐसा बन गया है, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा बना, शायद पानी नहीं निकला अच्छे से, क्योंकि ये पिंकू जी ने नहीं बनाया। अब इसको डैब को देते हैं, चेक करते हैं कि उसका क्या रिव्यू आता है, वो खाता है या नहीं खाता है। अगर तो खा लेगा तो अच्छी बात है, वो जो पानी बच जाता है ना जो पनीर के बाद बच जाता है जो पानी लस्सी सी, उसमें चावल ऐसे उबाल लेते हम, वो चावल डैब को दे देते, कई बार खाता कई बार नहीं भी खाता। चलो चलो डैबी का खाना आ गया है, डैबी का पनीर वाला खाना आ गया आ गया आ गया इसके कस्टमाइज बाउल में। बत्ती चली गई है, मौसम आजकल दिल्ली में अच्छा हो रहा है, आज डैब भी सोया ही रहा है सारा दिन, पता नहीं इसे भी क्या हो रखा है। मैं तो तीन घंटे से मतलब रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब ठीक हो जाएगा, डीप ब्रीद और ये और वो। हाय डैबू डैबू डैबू, पापा के पेन हो रही है, पापा की पेन हो रही थी 3 घंटे से। डैबू तू सारे चंगड़ाइयाँ ले रहा है, डैबू पापा के ना 3 घंटे से ना पेन हो रही थी, पापा के 3 घंटे हो गए, पता था तुझे, तू आराम से बैठा हुआ था। तो मैंने तो यार मैंने खा ली थी पेन किलर, जिसकी वजह से मुझे तो नींद इतनी आ गई, अब मैं उठाऊँ तो बाहर मौसम देखो यार। ये देखो गाइस इसने प्लेट तोड़ दी है, 25,000 की प्लेट है ये, पूरा डिनर सेट है एक्चुअली, प्लेट नहीं है, इसने प्लेट तोड़ दी है। इसकी और प्लेटें हैं मेरे पास वैसे, इस ये प्लेटें ही तोड़ती रहती है, कभी मेरे ग्लास तोड़ती रहती है, जितने मैंने थोड़ी गलती है, अब यहाँ पे पड़ी थी हाथ लग गया मेरे, जितने एक्सपेंसिव स्टफ होते हैं जैसे प्लेट्स और प्लेट्स ये वाली, जैसे गोल्डन प्लेट्स है ना, गोल्डन बॉर्डर है ऐसे देखो, गोल्डन प्लेट्स और चम्मच तो खैर क्या तोड़ेगी। हमारी शादी हुई है, पहले मेरा कभी नहीं टूटा था, मेरा एक ग्लास सिंगल और एक प्लेट कुछ भी नहीं टूटा आज तक, ठीक है। तो लेकिन उस शादी के बाद मेरे कम से कम नहीं तो 6 ग्लास थे, वो 3 ही रह गए हैं। चाय तो ही तोए हैं। अब मेरे मेरे पता हाथ कांपने लग गए हैं, जो प्लेट टूटी क्या मुझे डांट पड़ेगी।
अब मैं इसे अवार्ड दूंगा तोड़ने फोड़ने का, खुद टूटने फूटने का और चीजों को तोड़ने फोड़ने का। और इधर पिंकू जी ने अपना डिनर विनर तैयार कर लिया है, 6 बजे ही आज आए तो रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। आपने कुछ खाया? दाल बन चुकी है, आलू बन चुके हैं फ्रेंड्स, चावल बन चुके हैं फ्रेंड्स, सब कुछ बन चुका है फ्रेंड्स। डिनर 6 बजे ही तैयार हो चुका है हमारा, क्योंकि मुझे कॉफी पीनी है और मौसम का आनंद लेना है बाहर। पिंकू जी का भी शानदार प्रदर्शन आज शरीर से मेरे अंदर से आवाज आ रही है बाहर। किट्टू जी जब ऐसे हो जाते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सही बात है, क्योंकि हम दो ही तो हैं घर में। एक तो अगर ये ऑफिस चले गए फिर मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, मुझे पता है कि ये बाहर है। ये घर में रहकर चुप हो, हमारी लड़ाई ना हो, हमारी कोई बहस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तभी मैंने खाना जल्दी बना लिया। अभी तभी इसने प्लेट तोड़ दी कि आज लड़ाई क्यों नहीं हुई कि मैं प्लेट तोड़ देती हूँ। यार इतनी महंगी प्लेट थोड़ी तोड़ूंगी लड़ाई के पीछे कोई नहीं पिंकू जी, प्लेटें और आ जाएंगी, तुम थोड़ी आओगी। हाय पता नहीं क्या चाहिए क्या तुझे, मुझे बता। हमारी गाड़ी में रेडी वाला आया था, सब्जी वाला, ये देखो, और सब्जी छोड़ के भाग गया बारिश के कारण। अपनी रेडी छोड़ के भाग गया, कोई नहीं दिख रहा इसके आसपास। रेडी रेडी लूट ले पिंकू, रेडी लूट ले भैया। अरे भैया कुछ नहीं, नीचे जाओ, नीचे जाते हैं, रेडी लूट लेते हैं, सब्जी उठा लाते हैं। तू ले सब्जी, तू ले, बोल भैया, बोल बोल, कह किलो प्याज दो। नीचे सब्जी लूट ला, इसको छोड़ दे भाग जाएगा। जा नीचे सब्जी लूट ला, साले कल भाग गया था भाग तू जा, जान हमारी सूखती है, कुत्ते तुझे खा जाएंगे, वापस भी नहीं आएगा। आज मैं पिंकू जी के लिए स्पेशल आया हूँ मोमोज। पिंकू जी का दिल कर रहा था मोमोज खाने का, कह रहे रेडी वाले मोमोज कभी खाते ही नहीं हम खाते हैं स्विगी से ऑर्डर करके, वो वाव मोमोज के ऑर्डर कर लेते हैं। तो मैं मोमो के अच्छे होते हैं पर वो बहुत पर रेडी वाले तो रेडी वाली होती ना चीजें। ये मैं रेडी वाले मोमोज लेके आया हूँ, ये देखो। अब हम बनाएंगे नाचोस, अब नाचोस बनाएंगे और बारिश का आनंद लेंगे। नाचोस, ये अपनी बियर, बढ़िया नाचोस देखो, नाचोस देखो क्या नाचोस लग रहे हैं यार। ये नाचो इतने स्वाद होते हैं, सालसा सॉस है, सालसा बीच में डाल दिया हमने। अब पिंकू जी ने मंगाया फलूदा, देखो फ्रॉम ज्ञानीज। अरे फलूदा भी जम गया इसने फ्रीजर में रख दिया तो वो जम गया, बताओ। बट इट्स यम, बट अच्छा है, ऐसा ही फ्लेवर चाहिए। तो आज का व्लॉग करते हैं समाप्त, हम खाते हैं फलूदा। डैब उठ के आ गया, देखो सो रहा था तो अभी सोते हैं और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगले व्लॉग में आप पे मिलेंगे और साथ रहें बस।